जय भवानी साथियों, जय महाराणा, जय जय राजपूताना, जय श्री राम, जय शनिदेव, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। अपने सभी भाइयों से निवेदन है, वीडियो पर जुड़ी जाइए। सभी साथियों से, सभी भाइयों से निवेदन है, जल्दी से वीडियो पर जुड़ी जाइए। और जितने भी मेरे साथी जुड़ रहे हैं, उन सभी से निवेदन है कि वीडियो को शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए। सोशल मीडिया पर जितने भी ग्रुप हैं, सभी ग्रुपों में आईडी को शेयर कीजिएगा, उसके बाद मैं अपनी बात शुरू करूंगा। आप सभी से निवेदन है, ज्यादा से ज्यादा लाइव पे जुड़ते जाइए, फ्रेंड्स को इनवाइट करिए, क्योंकि 10 बजे का समय मैंने दिया था, मगर समय 10:30 हो गया, तो लेट हो गया आधा घंटा। इस वजह से बहुत सारे साथी इंतजार करके चले गए होंगे, उन सभी साथियों को इन्वाइट कर लीजिए। ज्यादा ज्यादा भाइयों को इनवाइट कीजिए, आईडी को शेयर कीजिए, सभी साथी जुड़ते जाइए। और 45 साथी देख रहे हैं, 45 के 45 साथियों से निवेदन है कि आप सभी वीडियो को, आईडी के लिंक को सभी ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। आपके फेसबुक पर जितने भी ग्रुप हैं, सभी ग्रुपों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैं आज कहना चाहता हूं इसी लाइव के माध्यम से, इसी वीडियो के माध्यम से, अपने समाज से, अपने राजपूत समाज से, अपने हिंदू समाज से, अपने सवर्ण समाज से, तमाम सारी बातें हैं जो आज मैं आप सभी के बीच रखूंगा। तो आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि वीडियो को शेयर करते जाइए, सभी ग्रुपों में शेयर कीजिए, ज्यादा ज्यादा लोगों को जोड़िए, सभी फ्रेंड्स को इनवाइट कर लीजिए, आईडी को शेयर कीजिए सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, जहां तक इस वीडियो को वायरल कर पाइए, वायरल कीजिए, मेरी आवाज को ज्यादा से ज्यादा युवाओं तक तो देश के पहुंचाइए। तो आप सभी से विशेष निवेदन करूंगा कि वीडियो को शेयर करते जाइएगा। तो मैं अपनी बात आप सभी से शुरू करता हूं। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था पिछले 1 घंटे पहले कि आज मैं लाइव आऊंगा भीमसेना, भीम आर्मी और भीमटो के ऊपर, क्योंकि मैं अपने समाज से एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। आप सभी से मैं पूछना चाहता हूं कि आप सभी के दादा, बाप दादा, परदादा, उनका काम क्या होता था, उनकी क्या जिम्मेदारियां होती थी। हम लोग हमेशा पढ़ते हैं, हमेशा लिखते हैं, हमेशा हम लोग को सिखाया जाता है, क्षत्रिय धर्म युगे युगे, क्षत्रिय धर्म युगे युगे, धर्मो रक्षति रक्षता, आप धर्म की रक्षा कीजिए, धर्म आपकी रक्षा करेगा। तो मैं अपने समाज से पूछना चाहता हूं कि आज की डेट में आपके धर्म को सबसे ज्यादा क्षति पहुंचाने वाले कौन से लोग हैं, कौन से लोग हैं जो भीम आर्मी और भीम सेना जैसा चोला ओढ़ के आज हमारे देश के अंदर से हिंदुत्व को खत्म करना चाहते हैं। कौन है वो लोग जो जगह जगह पर अपने समाज की बात नहीं करते हैं, मगर आप देख लीजिए, अभी आप सभी के बीच में एक एग्जाम्पल था, एक छोटा सा उदाहरण था कि जब हम अपने ऐतिहासिक महापुरुष, अपने महाराणा प्रताप की प्रतिमा को बचाने के लिए जिस चौराहे से उनकी मूर्ति तोड़ दी गई थी, उस चौराहे पर उनका फोटो रखने के लिए, उनको माला पहनाने के लिए, हमारा खिलाफत किसने किया, किसने पुलिस को फोन किया, किसने सीओ को फोन किया, किसने कंप्लेन की, किसने जो है सीओ अंजुम को फोन किया, किसने थाने पर फोन किया। तो आप सोचिए, आपको घूम फिर के ये भीम सेना, भीम आर्मी और भीमटो या इनके समाज के लोग ही नजर आएंगे। 85 साथी मुझे देख रहे हैं, सभी साथियों से मैं इस वीडियो के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं। आप सभी, आज की डेट में सोशल मीडिया का जमाना है, आप सभी बहुत सारी चीजें डाउनलोड करते हैं, कोई जी डाउनलोड करता है, कोई नेटफ्लिक्स चला रहा है, कोई आज की डेट में जो है अमेजोन प्राइम चला रहा है। आप सभी 4 से 5 घंटा अपना मनोरंजन करने के लिए 800-900 रुपए का डाउनलोड करके पिक्चर देख सकते हैं, फिल्में देख सकते हैं, अपने आप को इंटरटेन कर सकते हैं, अपना मनोरंजन कर सकते हैं, मगर आपके राजपूत समाज को, आपके अपने अस्तित्व को बचाने की बात, अगर सलभ प्रताप सिंह आपसे 20 मिनट मांग रहा है, तो आप सभी युवा अगर 20 मिनट मुझे नहीं दे सकते, तो कल को आप लोग भी इन भीमटों को, इन भीम सेना वालों का कुत्ता नहलाने के लिए तैयार हो जाइए। मैंने वो दिन देखे हैं, मैंने देखा है कि कोई मीणा कहीं का एसपी है और मेरे राजपूत समाज का बलवंत सिंह राठौर उसके घर के बाहर चौकीदारी कर रहा है। मैंने देखा है कि कोई जो है, मैंने देखा है कि वीडियो बीच में रुक रहा है, शायद अभी से ये लोग रिपोर्ट करने लगे होंगे, अभी से आईडी के खिलाफ पड़ गए होंगे। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, मेरी बात को बहुत गंभीरता से सुनिएगा और समझिएगा कि आज की डेट में आपके समाज का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है,
कौन है जो हिंदुत्व को नहीं मानता है? कौन है जो क्षत्रियों को गाली देता रहता है? कौन है जो आपके समाज के बारे में अपशब्द कहता है? कौन है जो आपके समाज को खुलेआम मंचों पे खड़े होकर बोलता है कि इनके घर में जितने जो है जितनी इनकी आबादी नहीं होगी उतना हमारे भीमसेना और भीम आर्मी में बच्चे घूम रहे हैं? कौन है वो लोग? आप समझिए, क्षत्रिय धर्म युगे युगे, आपका सबसे बड़ा धर्म है अपने धर्म को बचाना, और आपके धर्म को खतरे में डालने वाले ये चंद लोग जो मुगल कंट्री से, जो इस्लामिक कंट्रियों से पैसा लेके आज अपने देश के अंदर गृह युद्ध छेड़ने में लगे हुए हैं। आप बताइए कि मैं जिस भीम आर्मी का नाम बार बार लेता रहता हूं, शलभ प्रताप सिंह, ये कैसा राष्ट्रीय अध्यक्ष है जो आज से नहीं पिछले कई सालों से इनके खिलाफ लड़ रहा है, इनको अल्टीमेटम दिया, इनके ऊपर हमले करवाए, इनका कार्यालय बंद किया, इनके ऊपर FIR करवाई, इनको रोका, इनके खिलाफ हमेशा जो है लोहा लेने का काम मैंने किया। क्यों पता है? क्योंकि मैं आपके भविष्य को देख सकता हूं। अगर आज मैं नहीं लड़ूंगा इनसे तो कल कोई आपके सर पे चढ़ के मूतेंगे, और आप तैयार रहिए, मैं कह रहा हूं। मैंने देखा है कि भारत एक पहला ऐसा देश है जहां पे प्रतिभा को किनारे कर दिया जाता है, टैलेंट को किनारे कर दिया जाता है, और जाति के आधार पर लोगों को जो है जगह दी जाती है, नौकरी दी जाती है, मौका दिया जाता है। आज हमारे देश की ऐसी परिस्थिति क्यों हो रही है? आपके हमारे बाप दादा ने जमीनें स्वीलिंग में दे दी, 565 से ज्यादा रियासतें हमारी दान में चली गई, हमने अपने देश का, हमने अपना अपना जितना भी हमारे बाप दादा परदादा होते थे, जितने हमारे राजा महाराजा थे, उन लोगों ने अपना गहना जवरात सोना आभूषण सब कुछ भारत देश की मुद्रा बनाने में दे दिया। और आप सोचिए कि एक भीमराव अंबेडकर साहब, जो लगता है कि भीमराव अंबेडकर साहब ही एक एजुकेटेड आदमी है, उनको छोड़ के भारत में कोई और शिक्षित नहीं है, उन्हीं को सारा ज्ञान था, भारत में बाकी लोग तो अनपढ़ और चूतिए बैठे हुए हैं। मैं कहना चाहता हूं, मैं आज अपने समाज से इस बात को बहुत गंभीरता से कहना चाहता हूं कि आप सभी मेरे दर्द को समझिएगा। आज भीम आर्मी, भीम सेना, भिमटो जैसे लोग हैं, इनके जैसे इस्लामिक जिहादी संगठन के लोग हैं जो आज आपके समाज के पीछे पड़े हुए हैं। आज ये लोग क्षत्रियों को गाली देते हैं, आज ये लोग ब्राह्मण समाज को कहते हैं कि ये लोग विदेशी हैं, ये लोग बाहर से आए हुए हैं, और अपने आप को ये लोग मूल निवासी कहते हैं। मैं कहना चाहता हूं, मेरे पास कई सारे फोन आते हैं हरिजन समाज के लोग का कि सलाह भैया, आप हमेशा कहते हैं कि हम सभी हरिजन समाज के लोग आपके खिलाफ नहीं, आपके साथ हैं, आपका सम्मान करते हैं, आपका इज्जत करते हैं। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि मैं उनको कहता भी नहीं हूं, मैं कहता हूं चंद्रशेखर रावण जैसे चंद भड़वों को, मैं कहता हूं सतपाल तंवर जैसे चंद कुत्तों को जो आज आपके समाज के पीछे इस तरीके से पड़े हुए हैं। आप बता दीजिए, भारत देश में कोई भी मामला हुआ हो, 120 साथी देख रहे हैं, सभी 120 साथियों से निवेदन है, वीडियो को शेयर कीजिएगा, जितने भी ग्रुप है सभी ग्रुपों में शेयर कीजिएगा, जितने भी टीम मुकंदर राणा, टीम शलभ प्रताप सिंह के लोग हैं, उन सभी भाई मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सभी भाइयों से निवेदन करूंगा कि आप लोग आज IT सेल का काम करिए और ID को शेयर कीजिए, इतना ज्यादा शेयर कीजिए कि मेरे स्क्रीन पे ज्यादा से ज्यादा समाज के लोगों को जुड़िए। मैं चाहता हूं कि जो मेरा संदेश है, जो मेरा मुद्दा है, जो मेरा विषय है, वो समाज के ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। 10:37 हो रहा है, 123 साथी मुझे दिख रहे हैं, सभी 123 साथी उस निवेदन है कि ID को शेयर कीजिएगा, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, जितने भी लोग मुझे दिख रहे हैं। आप बताइए कि आप लोग पहले, आपके बाप दादा क्या बताते थे? जब आपके यहाँ खेती बाड़ी चलती थी, आपके खेतों में कौन काम करता था? आपके खेतों में ये काम करने वाले, आपके परिवार में, आपके घर में सेवा करने वाले, आपके यहाँ जो है आपका जो है एक प्रजा के तौर पर रहने वाले आज ये लोग हैं जिनको भीमराव अंबेडकर साहब की मेहरबानी की वजह से आरक्षण दे दिया गया, तो ये आज आपके खिलाफत खड़े हो जाते हैं। आज आप देख लीजिए कि इनके, मैंने इनकी पूरी फाइल उठा के देखी है, आप अगर आप गौर करेंगे इनके ऊपर तो इनके ज्यादा से ज्यादा दिक्कतें इनको राजपूत समाज से ही होती हैं। आजमगढ़ में घुस के ये विरोध कर रहे थे, वहां दूसरा पक्ष कौन था? राजपूत समाज। हाथरस में घुस के ये विरोध कर रहे थे, वहां दूसरा पक्ष कौन था? राजपूत समाज। आज अभी दिल्ली तलाई आपका राजस्थान बीकानेर का मामला है, वहां दूसरा पक्ष कौन था? उकंदर राणा की टीम कौन थी? राजपूत समाज। तो आप ये सोचिए कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ राजपूत समाज और क्षत्रिय समाज को टारगेट क्यों करते हैं, हमारे ही पीछे क्यों पड़े रहते हैं, हमारे ही खिलाफ क्यों खड़े रहते हैं? क्योंकि हमने इन्हें मौका दिया, हमने इन्हें छूट दी, और आज ये हमारे सर पे चढ़ के मूत रहे हैं। 123 साथी मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, क्या सभी साथी ID को शेयर कीजिएगा, और अब सही भाइयों से मैं कहना चाहता हूं कि वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा, जितने साथियों को जोड़ सके स्क्रीन पे जोड़िए, और आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि जितना इस ID को शेयर कर पाइए शेयर कीजिए। जितने भी नए साथी मुझे देख रहे हैं उन सभी से निवेदन है कि ID को फॉलो कीजिएगा, 5000 फ्रेंड पूरे हो गए हैं, तो आप सभी तक मेरा हर वीडियो पहुंच सके इसलिए आप लोग ID को फॉलो कीजिएगा। 135 साथी जुड़ गए हैं, सभी 135 साथियों से निवेदन है कि ID के शेयर कीजिएगा, लिंक को ज्यादा शेयर कीजिएगा, ज्यादा ज्यादा समाज के भाइयों को जोड़िएगा।
मैं कहना चाहता हूं कि पाली के ऊपर, चंद्रशेखर के ऊपर हमला हुआ था, उसके पीछे राजपूत समाज था, हम लोगों ने पूरी जान लगा दी थी। ऐसा क्यों किया था? क्योंकि यह व्यक्ति आज की डेट में कर क्या रहा है? मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। जब मोदी जी ने, अमित शाह जी ने कह दिया कि एनआरसी और जो एनआरसी कानून है, जो नागरिकता संशोधन बिल है, जो बाहर के आए लोग हैं वो बाहर जाएंगे, जो देश के अंदर जो देश के नागरिक हैं वो नौकरी चाकरी पा नहीं रहे हैं, वो उनके पास जमीनें कम बढ़ जा रही है बोने और खाने के लिए, तो बाहर के आदमियों को हम कैसे यहाँ पे जगह दे दें? आप सोचिए, उसमें किसी को दिक्कत नहीं हुई। रात को 2:30 बजे ये चंद्रशेखर भड़वा साला रावण हरामखोर कुत्ता साला ये कमीना आदमी जाके वहां रात को 2:30 बजे गाड़ी पे चढ़ के उनका समर्थन करता है। अब आप मुझे जवाब दीजिए, क्या सलभ प्रताप सिंह गलत है या चंद्रशेखर रावण सही है? मैं अपने समाज को जगाता रहता हूं, मैं अपने समाज को हमेशा कहता रहता हूं। क्यों? क्योंकि मैंने कसम खा रखी है कि मैं ऐसे ऐसे कुत्तों को, ऐसे हरामखोरों को जो देश के अंदर हिंदुत्व को खत्म करना चाहते हैं, जो देश का टुकड़ा करना चाहते हैं, जो देश को कई भागों में बांटने का काम कर रहे हैं, ऐसे इस्लामिक जिहादी संगठनों का मैं पुरजोर विरोध करूंगा। अपनी सेना के माध्यम से, अपनी टीम के माध्यम से, अपने नौजवान साथियों के माध्यम से, अपने समाज के उन युवाओं के माध्यम से, अपने समाज के भाइयों और साथियों से पूछना चाहता हूं, चाहे आप मध्य प्रदेश में हो, चाहे आप छत्तीसगढ़ में हो, चाहे आप झारखंड में हो, चाहे आप राजस्थान में हो, चाहे बिहार में हो, चाहे आप उड़ीसा में हो, चाहे आप महाराष्ट्र में हो, चाहे गुजरात में हो, मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, क्या भीम आर्मी और भीम सेना वाले सही काम करते हैं? ये भीम आर्मी और भीम सेना वाले हमेशा आपके समाज को टारगेट करने काम क्यों कहते हैं? ये हमेशा कहते हैं कि ब्राह्मण समाज जो है ये विदेशी है, ये बाहर से आया हुआ है। तो ये बताइए, जो लोग हमारे पुरोहित रहे हैं, जिन्होंने हमें शिक्षा दी है, जिन्होंने हमें ज्ञान दिया है, ये सब बाहर के हो गए, और ये साले भिमटे और भीम आर्मी भीम सेना वाले देश के मूल निवासी हो गए। इनके सवालों का जवाब आपको देना पड़ेगा, और जवाब ऐसे नहीं, इनका विरोध करना है। इनके कहीं भी कार्यालय खुले उसको, उसके खिलाफ जाना है आप लोग को। इनकी इनकी गंदगी, इनकी भद्दगी और इनकी इस गंदी विचारधाराओं का इलाज करना है। 155 साथी मुझे देख रहे हैं, आप सभी से निवेदन है, वीडियो को शेयर कीजिएगा। आज मैं अपने समाज से कहना चाहता हूं, मैं सलभ प्रताप सिंह आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग ऐसे लोगों का विरोध कीजिए, जो लोग आज आपके समाज, आप सोचिए कि हिंदुस्तान पहला एक ऐसा देश है पूरी दुनिया का जहां टैलेंट के आधार पर नहीं, जहां जात के आधार पर लोगों को मौका दिया जा रहा है। आज किसी का इलाज में अगर कोई मर जाता है, कोई किसी की डेथ हो जाती है या किसी के साथ गलत हो जाता है, तो सबसे पहले लोग ये सवाल पूछते हैं, अरे डॉक्टर कौन सी जाति का था? डॉक्टर कौन सी जाति का था? आरक्षण वाला डॉक्टर तो नहीं था? आज कहीं पुल टूट जाता है, कहीं ब्रिज बनता है, बह जाता है, टूट जाता है, तो लोग पूछते हैं, अरे इंजीनियर कौन सी जाति का था? ये आरक्षण वाले तो नहीं थे? तो आप सोचिए, आज मैं देखता हूं कि मीणा जैसे लोग एसपी बने हैं, और मेरे यहाँ के सुजीत सिंह राठौर जैसे लोग उस एसपी के घर के बाहर दरवाजे पे डंडा लेके खड़े हुए हैं, चौकीदार बने हुए हैं। ऐसा कब तक होगा मेरे साथियों? मैं अपने समाज से पूछना चाहता हूं, शायद ये मेरा वीडियो आज आप सभी को इतना अच्छा ना लग रहा हो, शायद आप सभी को लग रहा हो कि सलभ भाई क्या बोल रहे हैं, क्या क्यों बोल रहे हैं, मगर आप सोचिए, अगर आप आज अगर सलभ प्रताप सिंह की बात नहीं समझेंगे, अगर आज आप मेरी आवाज नहीं समझेंगे, तो कल को आपके बच्चे इन 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 भीमटों के, इन भीमसेन और भीम आर्मी वालों का कुत्ता नहलाएंगे। फिर मुझे मत कहिएगा कि सलभ भैया आप सही कहते थे, वो समय था, अगर हम होश में आ जाते तो आज ये हाल ना होता। मैं कहना चाहता हूं कि भारत का कौन सा ऐसे संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष है जो बोलता है कि देखो देखो कौन आया, मोदी तेरा बाप आया। ये लोग देश के प्रधानमंत्री की इज्जत नहीं करते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी के बारे में अपशब्द कहते हैं, जो आज का प्रधानमंत्री है उसको भी अपशब्द कहते हैं, और जो भविष्य का प्रधानमंत्री है उसको भी अपशब्द कहते हैं। ये खुलेआम अपने मंचों पर, अपने माइकों पर आज समाज के इतने बड़े बड़े जिम्मेदार लोगों को, जो देश के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हुए हैं, उन्हें अगर अपशब्द कह दे रहे, तो हमें आपको कैसे छोड़ेंगे ये लोग? आप सोचिए, जिस समय मोदी जी तेरा बाप आया कह दिया गया, उस समय भारत की सरकार ने गिरफ्तार नहीं कर पाती है। जिस समय रात को 2:30 बजे ये लोग दिल्ली के जामिया मैदान में जाके एनआरसी का सपोर्ट करते हैं, उनके जो देश के बाहर के लोग हैं उनके उनके साथ खड़े हो जाते हैं, और जो देश के हम लोग नागरिक हैं हमारा मजाक उड़ाते हैं, हमें आप शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ऐसा कब तक चलेगा? इस वीडियो को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे जहां तक पहुंचा पाइए पहुंचाइए। मैं आप सभी से एक ही बात कहना चाहता हूं, कोई मेरा साथ दे ना दे, मैं भीमसेना और भीम आर्मी का पुरजोर विरोध करूंगा। जब तक मेरी सांसें चल रही है मैं इनका विरोध करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि आगे चल के ये हमारी नस्लों को नुकसान देंगे, आने वाली पीढ़ी हमारी परेशान हो जाएगी। अगर इन्हें अभी हम सरपंच, अगर ये वही लोग तो हैं, 141 साथी मुझे देख रहे हैं, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिएगा। जब पूरी दुनिया के हिंदू कहते थे कि हमारे प्रभु राम का मंदिर अयोध्या में बनना चाहिए, तो ये कहते हैं कि नहीं, राम तो काल्पनिक है,
आपके भगवान को काल्पनिक कहने वाले लोग कहते हैं कि नहीं, वो बुद्ध जी की साकेत नगरी है, वहां पे जो है राम मंदिर नहीं बनेगा, मैं उसके खिलाफ आंदोलन खड़ा कर दूंगा, भीम आर्मी का चंद्रशेखर रावण, इसके जैसे आतंकवादियों को अगर आप लोग विरोध नहीं कर सकते तो सरा मानी चाहिए हम लोग को राजपूत कहलाने पर, क्षत्रिय कहलाने पर, क्योंकि क्षत्रियों का धर्म है, क्षत्रियों का धर्म है क्षत्रिय धर्म युगे युगे। हमारा धर्म रहा है कि हम अपने देश के अपने धर्म की रक्षा करें, धर्मो रक्षति रक्षता, हम धर्म की रक्षा करें धर्म हमारी रक्षा करेगा। और आज मैं कहना चाहता हूं कि एग्जाम्पल लीजिए, एक सीख लीजिए कि उकंदा राणा के ऊपर जो मामले हुए महाराणा प्रताप की फोटो के ऊपर माला लगाने के लिए, महाराणा प्रताप चौक पे फोटो रखने के लिए, वो मामले किसने किया? इन्हीं भीम सेना वालों ने ना, इन्हीं भीमटों ने, इन्हीं भीम आर्मी के लोगों ने। तो अगर आज आप इस चीज को नहीं समझ पाएंगे तो कल को बहुत देर हो जाएगी। मैं पूछना चाहता हूं कि हाथरस में जब राजपूत समाज दूसरे पक्ष में था तब ये जाके खिलाफत में खड़े हो गए, जहां पे मुस्लिम समाज इनके बहन बेटियों को रेप करता है वहां क्यों नहीं ये जाके खड़े हो जाते हैं? आप बताइए, वो उनके जीजा हो गए क्या? देश के मुसलमान इनके जीजा हो गए, इनके दामाद हो गए, उनका विरोध ये नहीं करते हैं, मगर राजपूत समाज का ही नाम आ जाएगा तो उसके खिलाफ ये मोर्चा खोल देंगे, आंदोलन खोल देंगे, सड़कों पर उतर आएंगे। और ये के लोग नहीं है, मैं जानता हूं, भिंटो और भीमसेना भीम आर्मी ऐसे आतंकवादी संगठन है जो विदेशों से पैसा पाके हमारे देश के अंदर राजपूतों को टारगेट करके, राजपूतों को क्यों टारगेट करते हैं? क्योंकि राजपूत समाज ही एक ऐसा मजबूत समाज है, एक ऐसा लोहा लेने वाला समाज है, एक ऐसा पत्थर की तरह लड़ने वाला समाज है जो इनके इनका रोड़ा बन सकता है। इसलिए ये सभी मिलके हमारे समाज को गाली देते हैं, हमारे समाज के बारे में अपशब्द कहते हैं, ब्राह्मणों के बारे में उल्टा सीधा कहते हैं। आज ब्राह्मण समाज को सबसे ज्यादा गाली कोई देता है तो भीमसेना। 118 साथी देख रहे हैं, शायद मेरा आईडी रिपोर्ट हो रहा होगा, बीच बीच वीडियो रुक जा रहा है। मैं आप सभी को लाइव को खत्म करते हुए एक बात कहना चाहता हूं कि आप सभी इसी वक्त जहां तक मेरा ये वीडियो जाए, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, आप लोग के व्हाट्सअप तक जहां तक ये वीडियो पहुंच सके, उन सभी समाज के लोगों से निवेदन है कि आप अपने समाज के दुश्मनों को समझिए। ये भीम आर्मी, ये भीमटे, भीमसेना के वो लोग हैं जो आपके देश के अंदर हिंदुत्व को खत्म करना चाहते हैं, जो एक नए धर्म का जो है नए धर्म को पैदा करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि हिंदुत्व एक काल्पनिक है, भगवान राम काल्पनिक है, हनुमान जी दलित हैं, हमारे देवी देवताओं को अपशब्द कहते हैं, गाली देते हैं। उसके बाद भी अगर हम और आप मिलके इनका इलाज नहीं कर पाए तो कोई इलाज नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से ही सही, आप अगर जमीनी स्तर पर कर पाए तो सोशल मीडिया पर करिए, आप सभी कर पाए। जितने भी हमारे अलग अलग क्षत्रिय महासभा है, कर्णी सेना है, टाइगर बना फोर्स है, तमाम सारे संगठन और फोर्स और सेना चल रही है, उन सभी से कहना चाहता हूं कि आप सभी जिलाध्यक्षों को अपने निवेदन करिए, उसको गंभीरता समझिएगा, क्योंकि शलभ प्रताप सिंह को कोई फायदा नहीं है कि कौन आगे जा रहा है कौन पीछे जा रहा है, मगर शलभ प्रताप सिंह जानता है अगर आप सभी लोग मिलकर मेरा साथ देंगे तो इनका इलाज हो जाएगा। तो जितने भी समाज के संगठन है, सेना है, पार्टी है, महासभा है, अध्यक्ष है, जितने भी अध्यक्ष हैं, उन सभी से कहना चाहता हूं कि अपने अपने संगठन के, अपने अपने सेना के, अपने अपने फोर्स के, अपने अपने टाइगर फोर्स के, अपने अपने सेना के, अपने अपने महासभा और क्षत्रिय महासभा के लोगों से कहिए कि अपने जिलाध्यक्षों से कहिए कि आपके जिले में क्या कहीं कोई भीम आर्मी, मेरे क्षत्रिय समाज के, हिंदू समाज के जितने भी संगठन हैं, उन सभी संगठन, सेना और सभी फोर्स और सभी राष्ट्रीय अध्यक्षों से कहना चाहता हूं कि आप लोग अपने अपने प्रदेश अध्यक्ष से कहिए कि वो अपने हर जिले में भीम आर्मी और भीम सेना के कार्यालय बंद होने चाहिए, इनकी गतिविधियों को रोकिए, नहीं तो कल को देर हो जाएगी। शलभ प्रताप सिंह आज यहां आधे आधे घंटे चिल्ला रहा है, कल को आपके समाज के साथ वो बहुत बुरा हाल हो जाएगा। कल को आप देखेंगे कि आपके आने वाली पीढ़ी, आपके बच्चे इनके घर के कुत्ते नहलाएंगे और इनके घर की गाड़ियां चलाएंगे, इनकी गाड़ी धोने की नौबत आ जाएगी। अगर आज आप मेरा साथ नहीं देंगे, आज आप इनको नहीं रोकेंगे तो कल को ये आपके सर पर चढ़ के मूतेंगे, फिर मुझे मत कहिएगा। मेरे खिलाफ तो ये लोग बहुत FIR कराए हैं, मेरे खिलाफ तो ये लोग कई सारे गैंग। तो सभी साथियों से निवेदन करना चाहता हूँ, शायद वीडियो बहुत बार बार बीच में रिपोर्ट हो रहा होगा, शायद मेरी होगा, मगर मैं आप सभी से कहता हूँ कि वीडियो को शेयर कीजिएगा। वीडियो खत्म होने के बाद जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे, उन सभी से निवेदन है, जितने भी साथी वीडियो खत्म होने के बाद इस वीडियो को देखेंगे, उन सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि हर राजपूत तक, हर सवर्ण समाज तक, हर हिंदू तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। 105 साथी मुझे देख रहे हैं, सभी 105 साथियों से निवेदन, इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने अपने फेसबुक पर, जितने भी ग्रुप है सभी ग्रुपों में शेयर कीजिए कि जितने भी संगठन है, सेना है, जितने भी फोर्स है, जितनी भी महासभा है, वो सभी मेरे ख्याल से कोई दिक्कत आ रही है वीडियो पे, वीडियो बार बार बीच में रुक जा रहा है। मैं सभी से फिर से बात अपनी रिपीट करता हूँ कि वीडियो को शेयर कीजिए और जितने भी संगठन है, पार्टी है, सेना है, जितने भीम आर्मी के कार्यालय को बंद करने के लिए प्रयास कीजिए, भीम आर्मी भीम सेना को बैन करवाइए, ऐसे संगठनों का विरोध करिए, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में विरोध करिए, जमीनी स्तर पे जहां देखे कि यहां इनकी आर्मी निकल रही है, यहां इनका कोई प्रोग्राम, वहां जाए काले झंडे दिखाओ,
मंच खाली करवा दो, मैदान खाली करवा दो, अपने अपने गांव में रोको कि इनकी पार्टी, इनके सेना और इनके भीम आर्मी और भीम सेना में कोई भी कार्यक्रम में कोई गांव से गया ना उसके टांग तोड़ देंगे। क्योंकि अगर देश के खिलाफ आतंकवाद होगा, देश के खिलाफ साजिश होगी, हिंदुत्व खत्म किया जाएगा, प्रभु राम के मंदिर को टारगेट किया जाएगा। ठीक है साथियों, वीडियो बीच बीच में रुक जा रहा है, समस्या आ रही है, इसी वजह से मैं वीडियो खत्म करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग भीम आर्मी, भीम सेना और भीमटो का विरोध कीजिए, इनको बैन कराइए, इनका हर प्लेटफॉर्म पे सोशल मीडिया से लेकर जमीनी स्तर तक इनका विरोध कीजिए, जहां भी इनका कार्यक्रम हो वहां जाके काले झंडे दिखाइए, इनका विरोध कीजिए, इनके किसी भी कार्यक्रम को सफल मत होने दीजिए, इनके जिला अध्यक्षों को बोलिए कोई भी कार्यालय आपके जिले में नहीं चलेगा, और कुल मिला के भीम सेना और भीम आर्मी को भारत के सारे हिस्सों से मिटा देना है। और सभी भाइयों को धन्यवाद, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, जो भी साथी इस वीडियो को देखेगा वो इस बात को समझे कि आने वाले समय में भीम आर्मी, भीम सेना और भीमटो जैसे लोगों से भारत को, जितने भी हमारे समाज के लोग हैं उन्हें बहुत खतरा है, ऐसे लोग का इलाज करना है, ऐसे लोगों का इस प्रकार विरोध होना चाहिए कि जमीनी स्तर पे, चाहे सोशल मीडिया पे, हर तरफ इनको बैन किया जाए। और सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि मेरी विचारधारा अगर आपको अच्छी लगे, मेरी सोच आपको अच्छी लगे, तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ज्यादा ज्यादा साथियों तक पहुंचेगा, सोशल मीडिया के जितने प्लेटफॉर्म है सभी ग्रुपों तक शेयर कीजिएगा, और मेरी आवाज को हिंदुस्तान के हर क्षत्रिय तक, हर राजपूत तक, हर सवर्ण तक, हर हमारे भाई तक, हर हिंदू समाज के लोगों तक पहुंचाइएगा। इस वीडियो को इतना वायरल किया जाए कि भीम आर्मी और भीम सेना का विरोध हिंदुस्तान के हर शहर में, हर गली में, हर गांव में कल सवेरे से शुरू हो जाना चाहिए। और मैं अपने सभी साथियों से, मेरे ऊपर जो सपोर्ट है, आप सभी का जो प्यार है, जो आशीर्वाद है, जो आप सभी का सपोर्ट मिलता है, उस चीज के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी इसी प्रकार मेरे ऊपर प्यार और समर्थन बनाए रखिए। मैं वादा करता हूं कि आप सभी ने अगर मुझे, पूरे भारत के सभी सवर्णों ने, राजपूतों ने मिलकर समर्थन दे दिया, तो शलभ प्रताप सिंह इतिहास बनाएगा, भारत देश के अंदर से आरक्षण जैसी गंदगी को खत्म करके दिखाऊंगा। आप सभी मेरा साथ दीजिए, मेरा सपना है, उसके पीछे मैंने बहुत कुछ खोया है, अपना सब कुछ लुटा दिया है, मतलब इतना कुछ लुटा दिया, लाखों रुपए कर्जे में हो गए, अपना लाखों रुपए जो है सिर्फ समाज के लिए लड़ते हुए, समाज के हर मामलों में पहुंचने के लिए, समाज के हर चीजों को जीतने के लिए, समाज के हर लड़ाई को लड़के जीतने के लिए मैंने अपना बहुत नुकसान किया है, फिर भी मैं ये कहता हूं कि मैं रुकूंगा नहीं, जब तक मेरी सांसें चल रही हैं मैं अपने समाज की हर लड़ाई लड़ता रहूंगा। बस आप सभी साथ दीजिए, मेरे एकता बनाइए, और जहां तक इस वीडियो को, जहां तक भी ये वीडियो पहुंचेगा, उन सभी से निवेदन है कि आईडी को फॉलो जरूर करिएगा, आईडी को फॉलो करिए, ज्यादा ज्यादा साथी जुड़िए, और आप सभी से कहता हूं कि मेरा साथ दीजिए, मजबूत कीजिए। आप सभी अगर पूरे हिंदुस्तान के हर शहर, हर गांव, हर प्रदेश से मेरा साथ देंगे, तो आगे चल के एक बड़ा आंदोलन करूंगा और भारत देश के अंदर से आरक्षण जैसी गंदगी को मिटा के दिखाऊंगा, इतिहास में नाम दर्ज करा के जाऊंगा हिंदुस्तान के राजपूतों का। आप सभी साथ दीजिए। जय भवानी, जय महाराणा, जय राजपूताना, जय श्री।